पुलिस स्टाफ राइफल इतनी बड़ी बाहर को आ जा पहले निकल के चल पहले बाहर को आ ये वो राइफल तेरे लाइसेंस में हो जाएगी सरकार की नोटरी की नहीं देगा आई कार्ड को पता ही जो सीसीटीवी कैमरे का आगे बैठा ना तो तेरे कम से कम 5-7 पड़ते तो अपना समझ जाता तो सफर शुरू हो रहा है नेपाल का यहाँ से बस हम लोग चल दिए और अभी हम लोग बैठ गए इस सफर पे हमारे साथ आ रहे हैं हमारे दोस्त लवी भाई और दिल तो यहाँ है ही है यहाँ सब लोग खड़े हैं तो सफर की शुरुआत हो चुकी है अब देखिए हमको पहुंचने में कितना वक्त लगता है पहले हम लोग जाएंगे नेपाल बॉर्डर वहां से फिर हम चेंज करेंगे ये है अनूप शहर का फेमस चौराहा चौराहा बबसरगंज और यहां भोले बाबा का आशीर्वाद हम लोगों ने ले लिया है अभी हम लोग जा रहे हैं कितना समय लगता है हालांकि सफर बहुत लंबा है लेकिन कम्फर्टेबल रहेगा बहुत ज्यादा मस्ती इस पूरे सफर में होने वाली है बहुत ज्यादा बढ़िया ही सफर होने वाला है बुद्धि जीवन में नहीं आने की कम से कम 5-7 पढ़ते तो अपना समझ जाता और बता कैसे नाड़ मटकारा नकली है तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किच्छा सफर अच्छा रहा लगभग जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर और अभी हम लोग यहां से उतर रहे हैं यहां वो होटल आ चुका है जहां हमको रुकना है और तो चलिए एक बार उतर के देखते हैं कैसा है नजारा आप हैं उत्तराखंड पुलिस में और आप हमको लेकर के आए हैं यहाँ कि जो यहाँ इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कह दिया था कि सब कुछ अरेंज कराया जाए तो अभी हम लोग यहाँ इस होटल में रुकेंगे ये कुछ ऐसा लगता है तो चलिए एक बार चलते हैं अंदर आपको बताता हूँ कैसा यू लाइक दिस प्लेस राम राम यू लाइक द जर्नी लाइक इज इट ओके और पेनफुल जर्नी Yeah, so let's get inside and let's have something. और यहाँ हमारे एक और भाई हैं ये हमारे आनंद भाई हैं हेलो आनंद भाई कैसे हैं और अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अभी सामान वगैरह लेकर के ऊपर चलते हैं तो यार लेट नहीं करते अब चलते हैं सीधे ऊपर तो यार लड़के से काहे को खत्म है ये व्लॉगिंग नहीं लड़के को क्यों रोक दिया तुमने हाय अनूप शहर से लेके किच्छा तक का 160 किलोमीटर का सफर हमने पहले दिन तय किया सफर के बाद हम लोगों को काफी थकान हो गई थी इसीलिए हमने सोचा कि हमको वहां स्टे करना चाहिए और एक दिन रेस्ट लेने के बाद अगले दिन हमारी जर्नी फिर से शुरू हुई तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं सुबह सुबह अभी हमें किच्छा और तैयार हो चुके हैं नहा धोकर के कॉफी वगैरह हो गई है फ्रूट्स वगैरह ले लिए तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार पूरा सफर बहुत बढ़िया रहा रात तो बड़ा अच्छा हम लोगों ने डिनर किया तो बिल्कुल मजा आ गया अब जल्दी से लेट नहीं करते तैयार होते हैं और चलते हैं फटाफट से चलो 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 तो ये अभी से ही बहुत सारा पानी हमने भर लिया है क्योंकि सफर बहुत लंबा है और पता नहीं हाईवे पे कितना वक्त बिताना पड़ेगा और यहाँ हमारे भाई साहब तैयार हैं पूरे दलबल के साथ और हम लोग निकलने वाले हैं तो चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या विलियम लेट्स गो ब्रो
कहाँ खड़ी है हमारी सवारी। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से बहराइच, अभी हमें रुकना है बीच में एक जगह पीलीभीत, वहाँ हम लेंगे लंच और लंच लेकर के सीधे चल पड़ेंगे आगे की ओर। राम राम। विलियम को बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है हम लोगों ने हिंदी की, बहुत सारे वर्ड सिखा दिए हैं, बहुत सारे फ्रेजेस सिखा दिए हैं। तो अब हम लोग चल रही हैं आगे यार, चलो चलते हैं फिर फटाफट। So right now we are in the police station with the station head Malik sahab, और आपके दोस्त हैं बहुत अच्छे और यहाँ इंस्पेक्टर हैं और बहुत ही अच्छी कोतवाली है, ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है और सफर कुछ ऐसा हो रहा है कि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने सोचा नहीं था कि कहाँ से शुरुआत होगी कहाँ से खात्मा होगा, तो बस चीज़ें होती चली जा रही हैं, उसी क्रम में आपसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा मिलकर के, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, इनफैक्ट नया है क्योंकि उस राजनीति वाली व्यस्त जिंदगी से हट करके कुछ वक्त मुझे मिल रहा है अपने लिए बिताने का और नए लोगों से मिलने का। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा खुशी के पल हैं क्योंकि बहुत मज़ा आता है कि जब आप ज़िंदगी को उसी के लहजे पर जीते हैं कि जिस तरीके से ज़िंदगी बहती है, जहाँ जाती है वहाँ उसके साथ बहते चले जाते। अभी हम देखने जा रहे हैं हमारे इस थाने के अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ मलिक साहब के साथ पूरा स्टेशन, क्योंकि ब्रिटिश टाइम का स्टेशन है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ के बारे में कि सुल्ताना डाकू जो कि फेमस डाकू था वो पहली बार पकड़ा गया था इसी थाने के अंदर। ये आजकल कंप्यूटर सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है। जी 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 जी, जी यहाँ होती है जी, इसमें एक जी रूम है हमारा। हाँ ये ऑनलाइन, ये इस पूरे शहर में 17 कैमरे लगे हैं। अच्छा। हाँ ये हर कैमरे में पूरा शहर आता है, बहुत सुंदर पूरा शहर। ये भाई साहब का ऑफिस है, हमारे अधीक्षक साहब का ऑफिस है, पूरा शहर आप देख सकते हैं यहाँ से। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं क्योंकि बड़ा शहर है तो सारे के सारे कैमरास आप यहीं से देख सकते हैं शहर में क्या हो रहा है। सारी रोड्स आती हैं यहाँ, जितने भी रोड है जी, सब सब जगह लगे हैं। 17 कैमरे इसमें। अच्छा 17 कैमरे हैं, अरे शहर में 17 कैमरे लगे हैं जी, सब दिखाता है। और ये हमारा थाना का नक्शा है, ये मैप ऑफ दिस पुलिस स्टेशन, ये एरिया डार्क एरिया ये है, ये दिस। अच्छा ये जगह है कि जहाँ हम अभी हैं किच्चा कोतवाली, यहाँ पर अभी हम हैं और ये पूरा मैप है इस पूरे एरिया का। और आप की चेयर है ये ऑफिशियल चेयर, यहाँ बैठते हैं, यहाँ जनता की समस्याओं को सुलझाते हैं। कितने थाना अध्यक्ष यहाँ रहे हैं, ये अभी हैं 2020-2019 से हैं। तो आइए और देखते हैं ये थाना कैसा है। ये ऑफिस है, यहाँ पर हमेशा काम चलता है। ये ऑफिस है, यहाँ FIR वगैरह ली जाती है, सारा का सारा काम होता है। ये सारे रजिस्टर्ड हैं के जिनमें जो अपराधी हैं यहाँ के उनकी लिस्ट होती है, पूरा इस तरीके का थाना है। अभी सिस्टम है ये, अब हमारे रजिस्टर में मेंटेन रहता है सब जी, सब कुछ बहुत वेल मेंटेन लग रहा है। मैंने अक्सर देखा है थानों में कि इस तरीके की व्यवस्था मुझे देखने को नहीं मिलती, सब चीजें इधर उधर फैली रहती हैं, लेकिन ये पहला ऐसा थाना मैंने देखा है कि जो इतना ज्यादा व्यवस्थित। मिस्टर दिनेश चंद अपना वर्क कर रहे हैं। तो ये है पूरा थाना आप देख रहे हैं, ये गेट है मेन और यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ इस बाइक वगैरह है, ये पूरा आप देख रहे हैं। ये तहसील है, ये तहसील कार्यालय है किच्छा का। और एक और गाड़ी खड़ी है पुलिस की वहाँ, यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। और भी भाई साहब ये इतना ही है पूरा, ये कैंपस थाने का है, ये इधर तहसील वाला पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा, थाने का ये है, पीछे तक जो है वो सामने दिखाई दे रही है। जी 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 जी, मैं वहाँ रहता हूँ किनारे। अच्छा आपका जो रेजिडेंस है वो वहाँ है ऊपर किनारे पर है, उसके पीछे वाला जो दिखाई दे रही है, वो जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वहाँ आप रहते हैं। चलिए अब दोस्तों समय हो चुका है यहाँ से निकलने का, और देखिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ, तो इतना फ्रेंडली माहौल है। पहली बार किसी थाने का मैंने ऐसा माहौल देखा है कि जो इतना खुशगवार है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, क्योंकि कम जगहों पर आपको ऐसा देखने को मिलता है।
और मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब लेते हैं बधाई, बहुत अच्छा लगा भाई साहब मिलकर के, बहुत खुशी हुई, आपने पूरा थाना दिखाया और देखिए शायद भविष्य में मुलाकात होती रहेगी जब भी आना होगा नेक्स्ट टाइम। विलियम, विलियम और विलियम वहाँ क्रिकेट खेला, विलियम कम दिस साइड, विलियम भाई नमस्ते, अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, गले मिलो गले, बहुत मस्त में ये राम राम कह रहा है, राम राम राम, ठीक है सर, नमस्कार, थैंक यू उमेश। तो चैनल का नाम क्या है, सब्सक्राइब करोगे ना? ये बात भाई लोग सब्सक्राइब करेंगे, हाँ तो भाई लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप भी कर लो यार, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि अभी हम लोग नेपाल जा रहे हैं। थैंक यू, बाय।